जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। SCS Academy की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपका पहला टॉपिक है करंट अफेयर का डांसिंग गर्ल की मूर्ति। दोस्तों जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि इस मूर्ति को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुंभकर के दौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब याद रखिएगा कि ये मूर्ति ऐसी कैसी इस्तेमाल नहीं की गई है, इसकी एक डमी बनाई गई है। जो डमी बनाई गई है वो चन्ना पटना खिलौने की जो पारंपरिक शिल्प है उस शिल्प के तहत तैयार की गई है, और इस प्रकार की इस मूर्ति को इस एक्सपो के शुंभकर के तौर पर स्थापित किया गया है। तो चूंकि इस मूर्ति के डमी को जो इस प्रकार से दिख रही थी उसको शुंभकर के दौर पर स्थापित किया गया, इसलिए ये चर्चा का विषय रही है। ठीक है, हालांकि इसका ये जो रूप है ये थोड़ा सा विकृत रूप है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा विवादित भी हो गया था, लेकिन भारत के संस्कृति जो मंत्रालय है उसने इसको सेटल कर लिया है। लेकिन चर्चा में रही उसका कारण आपको पता चला। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 जो है, अगर इसकी बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सपो को दिल्ली में आयोजित किया था, इसका उद्घाटन किया था, और इसी के शुंभकर के तौर पर इस डांसिंग गर्ल की इस डमी मूर्ति को स्थापित किया गया, याद रखना। क्लियर। अब यहाँ एक और चीज देखिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 ये क्यों स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था भारतीय संस्कृति के महत्व को देखते हुए, उसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालने के लिए। इसी के साथ ये एक्सपो भारतीय संस्कृति के 5000 साल पुराने इतिहास पर प्रकाश डाल रहा है, इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपो रहा है, जिसका शुंभकर ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति को बनाया गया है। अब इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति की बात करें दोस्तों, तो ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है ना। तो चूंकि डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई, तो मोहनजोदड़ो भी एक करंट अफेयर में चर्चा का मुद्दा बन गया, और डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी चर्चा का मुद्दा बन गई है, और ये चन्ना पटना खिलौने भी चर्चा का मुद्दा बन गए हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो तो मैंने कुछ दिनों पहले डिस्कशन किया है, तो 18 मई 19 मई के लेक्चर में आप लोग देखिएगा, वहां पर आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस मूर्ति की। ये मूर्ति जो है ये 1926 में खोजी गई थी, और इसका खोज करने का काम किया था अर्नेस्ट मेके ने। याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेके वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूर्ति को खोजा था, और ये कहां से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, याद रखिएगा। ये मूर्ति कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक कहीं ना कहीं शिल्प और उस समय की तकनीकी का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें कहीं ना कहीं हाव भाव सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से दर्शाया गया है, और एक उच्च तकनीकी व्यवस्था को दर्शाने वाली ये मूर्ति शुंभकर के तौर पर इस एक्सपो में स्थापित की गई है। इस मूर्ति का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वो किया गया था लॉस्ट वैक्स तकनीकी से। इस तकनीकी के माध्यम से जिस मूर्ति का निर्माण किया गया, तो हम इस तकनीकी पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन बात करेंगे कि इस मूर्ति की, तो ये मूर्ति जो है स्त्री की मूर्ति रही, कांसे की मूर्ति है, और इस समय स्त्री की मूर्तियां बहुत बड़े लेवल पर कांसे से बनाई गई थी, जो इस तरफ कहीं ना कहीं लोगों की नजर डालती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही वो एकमात्र सत्तात्मक सभ्यता रही जहां पर महिलाओं को महत्व दिया गया है। हालांकि परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था, लेकिन इस प्रकार से कांसे की बहुत बड़े हद तक जो नर्तकी की मूर्ति और स्त्रियों की मूर्ति मिली है, वो इसी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि इस सभ्यता में महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया होगा। क्लियर। और ये जो मूर्ति है इसके बारे में एक और चीज याद रखेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सबसे बेहतर उदाहरण क्या रहा, तो इस नर्तकी की मूर्ति को देखना है। यही मूर्ति कला का सबसे अच्छा उदाहरण रहा था, जो कि कांसे धातु से बनाई गई थी। जो कांसा था वो ये टिन प्लस तांबे को मिलाकर बनाते थे, तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी विकास बहुत बेहतर हुआ था, जिसमें वो ये दो धातु को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाने की कला भी जानते थे, और कहीं ना कहीं वो इस लॉस्ट वैक्स तकनीक से भी परिचित थे। इस तकनीकी में क्या करते थे कि पहले मूर्ति बनाने के लिए एक मोम का पुतला बनाया जाता था, उस मोम के पुतले को ऊष्मा रोधक पदार्थों से बनी हुई व्यवस्था में रख दिया, एक सांचे में रख दिया जाता था। बाद में उस सांचे में कहीं ना कहीं इस मोम के पुतले की जैसी आकृति बन जाती थी, फिर उस सांचे को क्या करते थे, गरम करते थे, तो क्या होता था कि मोम जो थी वो पिघल के बाहर निकाल ली जाती थी। अब जिस जगह से मोम बाहर निकाली जाती थी, उसी में कहीं ना कहीं ये तांबा चांदी जो भी धातु है वो डाल देते थे, और जहां वो धातु डालते थे उसको ठंडा करते थे, ठंडा करने के बाद जब उस सांचे को तोड़ते थे या उसको हटाते थे, तो मूर्ति जो है वो बनी हुई निकल जाती थी। फिर उस मूर्ति को तराशने के बाद, साफ करने के बाद, एक जीवंत मूर्ति के तौर पर वो दिखाई पड़ने लगती थी, जैसा कि ये कांसे की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। क्लियर। तो ये लॉस्ट वेक तकनीक
थी जिसके बारे में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी विकास को भी दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने किसकी बात की, ये हमने बात की इस नर्तकी की मूर्ति की, डांसिंग गर्ल की मूर्ति की, जो कि शुंभकर रही है अंतरराष्ट्रीय एक्सपो 2023 के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के 5000 साल पुराने होने का जीवंत उदाहरण है, जो एक विकसित शहरी सभ्यता के तौर पर प्राप्त हुई थी। और इसकी खोज की हम बात करें दोस्तों, तो 1921 में दयाराम साहनी का नाम आप लोगों को याद होगा। दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्थल के माध्यम से ये सभ्यता जो थी वो सबसे पहले प्रकाश में आई है, याद रखिएगा। और इसी क्रम में हम बात करें तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर मिला स्थल है, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हड्डियों का ढेर या मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, किसने की थी, कौन सी नदी के तट पर है, हड़प्पा की खोज कब की थी, किसने की थी, कौन सी नदी के तट पर, ये पूरी चीज याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर थे, विशाल नगरों में थे और सबसे चर्चित नगर भी रहे, जिसमें मोहनजोदड़ो से ही हमें नर्तकी की मूर्ति मिली। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से हमको मिलता है स्नानागार, वृहद स्नानागार जो है वो याद रखिएगा, वो कहाँ से मिलता है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिलता है, जो संभवतः उस समय का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्था के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्नानागार के चारों तरफ मिलते हैं हवन के कुंड, और हवन के कुंडों में कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया गया कि लोग आते होंगे, सार्वजनिक तौर पर इसमें स्नान करते होंगे और बाद में हवन करते होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली, सूती वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों शहर, ये दोनों पाकिस्तान में हैं, ये याद रखिएगा। और 1947 में जब हम लोगों को आजादी मिलती है, आजादी के बाद की बात करें तो ये दोनों के दोनों शहर जो है वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो नर्तकी की मूर्ति है, वो नर्तकी की मूर्ति जो रही वो एक समझौते के तहत भारत को मिली है। तो याद रखिएगा कि ये मूर्ति भारत में है, जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुंभकर के तौर पर स्थापित किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर किसकी बात कर ली, मोहनजोदड़ो की बात कर ली, याद रखना है, जो भारत में खोजा गए सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहे, वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका चन्ना पटना खिलौना। दो चीजों पर बात कर लिया, नर्तकी की मूर्ति हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, लॉस्ट वेक तकनीक भी हो गई जिससे कि वो मूर्ति बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं चन्ना पटना खिलौना की। चन्ना पटना जो है वो कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है, और कहीं ना कहीं ये जो शहर है इन खिलौने बनाने की व्यवस्था के चलते प्रचलित रहा, इसलिए इन खिलौनों का नाम भी चन्ना पटना कर दिया गया है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, याद रखिएगा, जीआई टैग जो होता है इसमें ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन की बात होती है, मतलब जो भी व्यवस्था को जीआई टैग मिलेगा, जिस भी वस्तु को, उसको स्थानीय पहचान मिल जाएगी और देश में दुनिया में वो उस स्थान के नाम से जानी जाती है। इसलिए इन खिलौनों को भी क्या बोला जाता है, चन्ना पटना खिलौना, क्योंकि ये कर्नाटक के चन्ना पटना में बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे समझे तो ये चर्चा में क्यों रहे, ये चर्चा में हाल फिलहाल तो चर्चा में रहने का कारण क्या है कि वो मूर्ति जो बनाई गई है नर्तकी की शुंभकर के तौर पर, वो इस प्रकार के शिल्प में बनाई गई है खिलौनों से, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले चर्चा में आए थे मन की बात कार्यक्रम के चलते। मन की बात जो कार्यक्रम किया था मोदी जी ने, इस कार्यक्रम में मोदी जी ने कोरोना के बाद चन्ना पटना खिलौनों की जो कला है उस पर पड़े असर को दर्शाया था। इसमें बोला गया था कि कोरोना के पहले, अगर हम बात करें पूर्व कोरोना स्थिति की बात करें, तो चन्ना पटना खिलौनों में लगभग 9,000 से 10,000 कारीगर लगे होते थे, और अगर हम कोरोना के बाद की बात करें, बाद में अगर बात करें कोरोना के, इसमें 2,000 से 2,500 कारीगर ही लगे रह गए। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो तकनीकी है, ये शिल्प है, ये लुप्त होने की व्यवस्था की तरफ देखी जा रही थी कि धीरे धीरे लोग अगर इस तकनीक को छोड़ देंगे, शिल्प को छोड़ देंगे, तो ये लुप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने इस पर प्रकाश डाला था, कोरोना के बाद जीआई टैग मिलने के बाद इस
व्यवस्था को और हाईलाइट किया गया। अब वैश्विक स्तर पर इसके लोगों की पहचान है। हाल ही में मोदी जी जब जापान दौरे पर गए थे और अलग अलग साउथ ईस्ट जो द्वीप हैं छोटे छोटे से प्रशांत महासागर के, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे, तो उस दौरे पर ये खिलौने और ये सब चीजें लेकर गए थे और वहां के देशों को इस प्रकार की चीजें भेंट की, जिसके चलते ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्शाए गए हैं और चर्चा का विषय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया कि कोरोना के पहले बहुत सारे लोग इस शिल्प को करते थे, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो कहीं ये शिल्प खत्म ना हो जाए, इसको संरक्षण दिया गया और जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर शिल्प की आधार की बात करें दोस्तों, तो ये टीपू सुल्तान के समय से है। टीपू सुल्तान के समय से होने का क्या मतलब है कि जब टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, कर्नाटक में, तो यहां पर क्या हुआ, फारस से कुछ उपहार आए थे और फारस से जो उपहार आए थे उन उपहार के रूप में ये खिलौने टीपू सुल्तान को दिए गए थे। अब टीपू सुल्तान को ये खिलौने बहुत अच्छे लगे, तो ऐसे में टीपू सुल्तान ने क्या किया, फारस से कारीगर बुलवाए। कहां से? फारस से कारीगर बुलवाए और इन कारीगरों से भारत में ही मैसूर के क्षेत्र में इन खिलौनों को बनाने को कहा गया। तब से ये भारत में खिलौने बनाए जा रहे थे। मतलब ये खिलौने ऐतिहासिक महत्व के हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के रोजगार का कहीं ना कहीं जरिया भी है और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इन्हीं खिलौने की शिल्प में ही नर्तकी की डांसिंग की मूर्ति जो है वो बनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभकर के तौर पर स्थापित किया गया, जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो गई। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस टॉपिक के जरिए चन्ना पटना खिलौनों की भी बात कर ली, इस टॉपिक के जरिए हम लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की भी बात की, हमने लॉस्ट वेक तकनीक की भी बात की और साथ साथ नर्तकी की मूर्ति की भी बात की। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला नागरिक। याद रखिएगा, चीन ने अभी एक इतिहास रचा है और इतिहास के तहत चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला अभियान ऐसा किया है जिसके माध्यम से उसने अंतरिक्ष में नागरिक भेजा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लॉन्ग मार्च रॉकेट 2F का उपयोग करके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को शेनझू 16 अंतरिक्ष यान के माध्यम से सफलतापूर्वक भेजा है। तो याद रखिएगा, शेनझू एग्जाम में पूछा जा सकता है, मार्च 2F रॉकेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन ने भेजा है और ये चीन का अपना पहला ऐसा अभियान रहा जिसमें उसने अंतरिक्ष में मनुष्य भेजा है। भारत की हम बात करें तो भारत भी गगनयान के माध्यम से 3 यात्रियों को भेजने की तैयारी में है। और अगर हम प्रथम बार देखें कि मनुष्य भेजने वाला व्यक्ति व्यवस्था, तो USSR रहा, जिसने 1961 में वोस्टक अभियान के माध्यम से पहले व्यक्ति को भेजा था, जिनका नाम था यूरी गागरिन। तो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो USSR के अभियान के तहत यूरी गागरिन को भेजा गया था 1961 में। उसके बाद से एक के बाद एक कई अभियान किए गए और अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजा जा रहा है। और आज चाइना ने भेज दिया है, भारत की तैयारी है, भारत भी भेजने वाला। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 75 रुपए मूल के स्मारक सिक्के का अनावरण। याद रखिए, 75 रुपए मूल का स्मारक सिक्का जारी किया है भारत सरकार ने और यह संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर किया है। हाल ही में 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के अवसर पर ही 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। याद रखिएगा, ये जो स्मारक सिक्का जारी किया है दोस्तों, उसके फ्रंट पे जाएगा तो 75 रुपए लिखा है, भारत इंडिया हिंदी और इंग्लिश में लिखा और बीच में अशोक स्तंभ के शेर का चित्र है। और इसके पीछे साइड जाएंगे तो संसद, जो नई संसद है उसका चित्र बना हुआ, जिसमें ऊपर लिखा है संसद संकुल और नीचे पार्लियामेंट, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पूरी व्यवस्था लिखी हुई है। तो ये पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स नीचे 2023 संसद का चित्र और संसद संकुल लिखा है। ये सिक्का पूरा जारी किया गया, कितने रुपए का, तो 75 मूल्य वर्ग का सिक्का है, एक स्मारक सिक्का है, याद रखिएगा, जो अलग अलग धातु से, 4 मिश्र धातुओं से बनाया है, 50% चांदी का है, 40% तांबा है, 5% निकल है और 5% जस्ता है। तो 4 अलग अलग धातुओं को मिलाकर यह सिक्का बनाया है, याद रखिएगा। और यह सिक्का जो है, अगर इस व्यवस्था को जाने तो भारत में सिक्का अधिनियम जो पास किया गया था वो 2011 में आया और इस अधिनियम के तहत सिक्के बनाने का, सिक्के ढालने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है, इसलिए सिक्के भारत सरकार निकालती है और भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढालने का काम होता है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारत में
इस सिक्कों के स्मारक सिक्कों की व्यवस्था का, तो 1960 से ही भारत में स्मारक सिक्के जारी किए जा रहे हैं। याद रखिएगा 1960 से ही जारी किए जा रहे हैं ये सिक्के, या तो किसी स्मारक के लिए या पर्टिकुलर किसी जागरूक करने की व्यवस्था के लिए, या फिर किसी व्यक्तित्व के बोल सकते हैं ना कि उसको उसको श्रद्धांजलि देना, इस प्रकार की व्यवस्था के तौर पर आप देखते हैं स्मारक सिक्के भारत में जारी किए जाते हैं। कब से जारी किए जा रहे हैं, तो 1960 से, और ये 75 रुपए मूल्य वर्ग का जो सिक्का है ये अभी जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज देखें। सिक्का तो जारी हो गया जो भारत में चार जगह पर ढलते हैं, चार मिंट हैं भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, और सिक्के छापने का जो काम है, सिक्के ढालने का जो काम है, टकसालों में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका बाल विवाह मुक्त अधिनियम उदयपुर। अब देखिए राजस्थान उदयपुर में एक अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान? बाल विवाह मुक्त अभियान। बाल विवाह मुक्त अभियान उदयपुर में चलाया और इसे एक बहुत प्रभावशाली कदम के तौर पर देखा जा रहा है। याद रखिएगा कि राजस्थान में जिला प्रशासन ने जो एनजीओ होते हैं उनकी सहायता से अभियान शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए किया है। हमारे देश को आजाद हुए इतना समय हो गया और बहुत सारी चीजों के चलते हम धीरे धीरे निकलते चले आए और हम आधुनिकता की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बाल विवाह जैसी कुरीति समाज में अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये किसी न किसी रूप में आज समाज के बहुत बड़े वर्ग में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इस बाल विवाह की व्यवस्था को रोकने के लिए, क्योंकि राजस्थान के कुछ इलाकों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से इसको रोकने के लिए अभी बाल विवाह मुक्त अभियान उदयपुर में वहां के प्रशासन ने और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर किया है, ताकि बाल विवाह जैसी व्यवस्था को रोकने का काम किया जा सके। एक सक्रिय अभियान है ये। अब ये याद रखिएगा कि अभियान जो हो रहा है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के क्लॉज 1 के तहत हो रहा है, और इसके तहत एक निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस निषेधाज्ञा में क्या बोला गया है कि जो भी विवाह किया जाएगा उस विवाह को प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर देंगे, मतलब उसको मान्यता खत्म कर देंगे, और जो दूल्हा होगा, जो दुल्हन होगी, इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए उनके वयस्क होने तक इंतजार नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आदेश जो है वो उदयपुर में राजस्थान में प्रशासन के द्वारा निकाला गया है, जो कहीं ना कहीं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निकाला गया है, एक निषेधाज्ञा है जिसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके माध्यम से बाल विवाह की पूरी व्यवस्था चर्चा में है। अगर हम भारत में इसके इतिहास की बात करें दोस्तों, तो बाल विवाह तो पुराने समय से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे प्राचीन समाज के हिस्से के तौर पर आप बाल विवाह को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ समझिए कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 सबसे पहले आया था लॉर्ड मियो के समय पे। इस नेटिव मैरिज एक्ट में क्या किया गया था, लड़कियों की जो विवाह है उसकी आयु 14 वर्ष सेट की गई थी। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी यहाँ पर अवैध करार कर दी गई थी, और अगर कोई भी व्यक्ति करता था तो उसको सजा दी जाती थी। इसके बाद आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आता है 28 दिसंबर 1929 को। ये शारदा एक्ट पास होता है और इस समय भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय पर शारदा एक्ट आता है भारत में, और इसके तहत कहा जाता है कि लड़की की शादी की जो आयु होगी वो 14 वर्ष होगी और लड़के की जो शादी की आयु होगी वो 18 वर्ष होगी, ये सेट किया गया। हालांकि 1978 में भारत सरकार ने आजादी के बाद इस शारदा एक्ट में परिवर्तन भी किया था, और इसके माध्यम से कहा गया था कि लड़की की जो विवाह की आयु होगी वो 18 होगी और लड़के की जो विवाह की आयु होगी वो 21 साल तक होगी, ये सेट किया गया था। क्लियर। अगर हम बात करें हिंदू विवाह अधिनियम की, तो 1955 में यह आया था। इसकी धारा 5 के क्लॉज 3 के तहत भी यही कहा गया है कि लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21, इसके तहत बाल विवाह को रोकने की बात की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी 2006 में भारत सरकार ने लाए थे, जिसके तहत बाल विवाह की आयु जो थी वो यही लड़की के लिए 18 और लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष सेट की गई थी। तो कहीं ना कहीं भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कानून तो दिखाई देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन कानूनों के क्रियान्वयन में हमें कमी देखने को मिलती है। कमी देखने को मिल रही है, इसीलिए भारत में बाल विवाह की घटना कानून बनने के इतने सालों बाद भी आपको क्रमशः देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर हमें देश के भागों में बाल विवाह जैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो इसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, इसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इन कानूनों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करें। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो राजस्थान में जो अभियान चलाया गया है, इसमें बाल विवाह की शिकायत करने वाले या सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम को, उसकी पहचान को गोपनीय रखने की व्यवस्था की गई है, और ये भी कहा गया है कि उसको 2100 रुपए
पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो भी अपने आसपास हो रहे बाल विवाह की जानकारी उदयपुर राजस्थान में देगा प्रशासन को, उसकी जानकारी गुप्त रखेंगे और उसकी उसको 2100 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इसको कदम के तौर पर देखा जा रहा है बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बाल विवाह के संबंध में कानून की व्यवस्था। अब हम बात करें कि बाल विवाह के कारण क्या है, परिणाम क्या है और समाधान क्या है। कारणों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम एक बोल सकते हैं अशिक्षा। अशिक्षा बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण है। हमें नहीं पता होता कि हम, या तो बोल सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में ये समझने में नाकामयाब रहते हैं कि बाल विवाह के क्या परिणाम हो सकते हैं, बाल विवाह की स्थिति कितनी घातक है समाज के लिए। तो उसके चलते हम इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं और बाल विवाह की व्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें लैंगिक भेदभाव भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। लैंगिक भेदभाव के चलते बाल विवाह को जो है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, तो पारंपरिक जो सोच है, वो पारंपरिक समाज की सोच जो है वो भी कहीं ना कहीं बाल विवाह को बढ़ावा देती है। इसको हम हमारे संस्कृति से, हमारे समाज से जोड़कर देखते हैं। जबकि अगर हम हमारे भारतीय समाज के प्राचीनतम इतिहास को देखें तो वहां पर हमें बाल विवाह के सबूत देखने को नहीं मिलते। बाल विवाह जैसी जो व्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों, ये ज्यादा साल पुरानी नहीं है, ये लगभग 1000 साल पुरानी है, जो कि हमारे देश में प्रारंभ हुई है बाद में एक कुरीति के तौर पर। इसके अलावा हम देखें तो हमारे समाज में अंधविश्वास जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके चलते बाल विवाह जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है। रूढ़िवादिता जो हो पारंपरिक समाज ही होता है, तो रूढ़िवादिता बाल विवाह को कहीं ना कहीं बढ़ाने की स्थिति को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कारण होता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो बाल विवाह के पीछे हैं। अगर हम इसके परिणाम की बात करें दोस्तों, तो परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं अशिक्षा के तौर पर ही निकलता है। मतलब अशिक्षा से जन्मा बाल विवाह अशिक्षा को और बढ़ाता है, क्योंकि बच्चों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, तो वो आगे पढ़ नहीं पाते। और जब एक लड़की को आप नहीं पढ़ाते तो फिर उसके पूरे परिवार को आप अनपढ़ के तौर पर देखते हैं, फिर वो उसके परिवार को शिक्षित करने से पीछे हटती है। यहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जब छोटी उम्र में शादी हो जाएगी तो पोषण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते और कम उम्र में मां बनते हैं बच्चे, जिसके चलते उनके शरीर का उतना विकास नहीं हो पाता कि वो किसी बच्चे को जन्म दे पाए। ऐसी स्थिति में आपको मातृत्व मृत्यु दर भी ज्यादा देखने को मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें लड़कियों में देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो और परिणाम ये होते हैं कि समाज में रूढ़िवादिता और बढ़ती जाती है। रूढ़िवादी सोच है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह विवाह हुआ है तो दूसरे लोग अपने आप प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी कर देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो बोल सकते हैं कि भाई हम भी करेंगे और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी बात होता है घरेलू हिंसा जो है वो बाल विवाह से उपजी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये याद रखिएगा। क्योंकि विवाह जब कर दिया जाता है, जब आप अनमेच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर आपको समझ में आता है, फिर आप अपने साथी को एक्सेप्ट करने से बचते हैं, फिर उस पर अत्याचार की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बाल विवाह के परिणाम के तौर पर देखे जाते हैं। अगर हम इसके समाधान की बात करें दोस्तों, तो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए और इस लड़कियों से रिलेटेड जो जनकल्याणकारी कार्यक्रम है उनको न केवल लाया जाना चाहिए बल्कि उनको व्यवस्थित पर लागू भी किया जाना चाहिए। तो ये हमारे समाज में बाल विवाह के कारण, उसके परिणाम और समाधान की व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों को देखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है खीर भवानी मेला। दोस्तों खीर भवानी मेला जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित जो है उनकी आस्था की बात है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो माँ रागिनी देवी हैं इनमें इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और इन्हीं के लिए ये हर साल कश्मीरी पंडित जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जो खीर भवानी मंदिर है यहाँ वार्षिक यात्रा करते हैं, जो कहीं ना कहीं सद्भाव को, पारंपरिक समन्वय को, एक दूसरे के भावनाओं को मानने, सहअस्तित्व को, इन सब चीज़ों को लक्षित करके की जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में जो आतंकवादी घटनाएं और इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली, उसके चलते इस तीर्थ यात्रा से बहुत सारे लोग नदारद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग इसमें जाते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी गहरी आस्था है माँ रागिनी देवी में। ठीक है, तो ये जो खीर भवानी मेला है जम्मू कश्मीर में होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब नई संसद का उद्घाटन किया तो नई संसद में अखंड भारत का नक्शा मौजूद है, जिसमें इस पूरे व्यवस्था को उसमें दर्शाया गया है, जो कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर जो है वैसे तो 14 मई 1954 में एक स्टेट के तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 में जो हर सिंह गौर
डोगरा राजवंश के यहाँ के अंतिम राजा थे। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे और इस हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू कश्मीर पूरा के पूरा इंक्लूडिंग पीओके और आज का कश्मीर सबको मिलाकर ये पूरा के पूरा कश्मीर भारत का अंग बना था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री की हम बोल सकते कि एक बोल सकते नादानी रही कि या बेवकूफी रही, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ले जाया गया और यूएनओ में ले जाकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ले गया, जिसकी वजह से यह एक मुद्दा अभी तक फंसा हुआ है और कई सारे सैनिकों की शहादत भी इस चक्कर में हो गई है। क्यों? क्योंकि पीओके जो है वो किसके हिस्से में चला गया, वो उस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान की तरफ से। अब उसको लेकर जो है वो लगातार लड़ाई होती रहती है एलओसी के आसपास। ठीक, तो ये 26 अक्टूबर 1947 को आया और 1954 में जब इसको एक राज्य के तौर पर स्थापित किया गया तो इसकी कुछ शर्तें थी, जिसमें आर्टिकल 370 भी दिखाई पड़ता है और 35A भी दिखाई पड़ रहा था। ये कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव द्वारा लेकर आए थे, नेहरू जी ने इसको लाने पर विशेष बल दिया था, लेकिन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई थी कि उन्होंने उस प्रस्ताव के नीचे लिख दिया था कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है जिसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये 370 और 35A के कारण कहीं ना कहीं दोहरी व्यवस्था देखने को मिल रही थी कि जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता होगी, दो निशान होंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो ऐसे में इसको खत्म कर दिया गया कब, 5 अगस्त 2019 को, और 370 हटाया गया, 35A हटाया गया। जब इसको हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था अन्य राज्यों के जैसी हो गई, लेकिन इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसका विभाजन करके जम्मू कश्मीर एक बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में इसकी स्थिति एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर देखने को मिल रही है और इसका विभाजन करके लद्दाख को भी इससे अलग कर दिया गया है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी वो बदलती है, 6 महीने श्रीनगर रहता है, 6 महीने आपको देखने को मिलता है जम्मू। तो ये राजधानी है इसकी और गठन की हम लोगों ने व्यवस्था पर बात कर ली, बाकी हम जब इस पर अगले डिस्कशन करेंगे तब इसमें और डिटेल में बातें समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था खीर भवानी मेला और जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शुरू के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज के करंट अफेयर के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कशन किया और मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।